गुड मॉर्निंग क्लास क्लास आज हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स एक मैनेजमेंट को चलाने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव का होना ज़रूरी है, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल होंगे एफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली तो हम अच्छे से किसी मैनेजमेंट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी डिपार्टमेंट को अच्छे से चला सकते हैं। अब हमारे ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं मैनेजमेंट के, वो क्लासिफाई हुए हैं 3 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में थिंक करना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमें सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में स्टडी करना है। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि जिसमें हमें अपने बारे में सोचना है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से, तो मैनेजमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। मीन्स कि हमें मैनेजमेंट को ऐसे सेटअप करना है कि जिससे हम उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकें, प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर सकें मटेरियल का और ह्यूमन बींग का, और जिससे हम मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज ले सकें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में। मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज के साथ हम कोई भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अच्छे से फुलफिल कर लें, बिजनेस को अच्छे से चला लें, जैसे कि हम अच्छे से उसका सर्वाइवल कर लें, उसमें प्रॉफिट अर्निंग कर लें और उसकी ग्रोथ कर लें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सर्वाइवल के लिए चाहिए कि हमारे अच्छे से खर्चे निकलते चले जाएँ कॉस्ट पे, ओवरऑल कॉस्ट पे ऑर्गेनाइजेशन के। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो अच्छे से सर्वाइवल कर ले, अच्छे से चलती चली जाए, अच्छे से रिवेन्यूज के फुलफिल होते चले जाएँ, कॉस्ट के कवर होती चली जाए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव उसका होता है प्रॉफिट। मैनेजमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक अ प्रॉफिट, कि वो अच्छे से प्रॉफिट अरेंज कर ले, प्रॉफिट मैनेज कर ले। प्रॉफिट प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यू सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। किसी भी एंटरप्राइजेस के लिए प्रॉफिट का अर्निंग होना कंपलसरी है, तो प्रॉफिट अच्छे से अर्न करा जा सके तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है। फिर जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सर्वाइव करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, तो वो ग्रोथ भी अच्छी करेगा। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री मैनेजमेंट मस्ट एक्सपेक्ट फुली ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर मैनी इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ सच एज सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन द एम्प्लॉय काउंट, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगी, एम्प्लॉय का अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी इंक्रीज होंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हो सकेंगी ग्रोथ पे रहे। जब अच्छे से कंपनी अर्न करेगी प्रॉफिट, ग्रोथ अच्छे, सर्वाइवल अच्छे से होगा, प्रॉफिट अर्निंग होगी, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो अप भी होगी। फिर होता है हमारा सेकेंड सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव का एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ अ बिजनेस या नॉन बिजनेस हैज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल देयर कॉन्सिक्वेंसी कॉन्सिक्वेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी। मीन्स कोई भी सोसाइटी के लिए दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, कि बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, कि सोशल ऑब्लिगेशन जितने भी हैं उसे फुलफिल करें, कि इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं हमें वो फॉलो करने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए सोसाइटी को, बेसिक एमिनिटीज़ उसकी फुलफ़िल हो सकें, जैसे कि एजुकेशन लेना स्कूल्स में, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें सब कुछ फुलफ़िल हो सके ईजिली। फिर है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं डाइवर्स नीड ऑफ द पर्सन, जैसे कि कॉम्पिटिटिव सैलरी, कि उसकी सैलरी अच्छी हो, पीयर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब उसकी एक आपस में जो अपने उसके आपस में काम करने वाले हैं उसमें एक पहचान हो, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में आती हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट आती है इसमें मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप
मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है अचीव करने में ग्रुपिंग एक्टिविटी को। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में सब पर्सन काम कर रहे हैं तो उनका जो मोटिव होता है वो एज अ कॉमन गोल होता है। गोल जो है उनका कॉमन है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह से प्रॉफिट प्रोवाइड करवाना है अच्छे से अच्छा। फिर सेकंड है मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतने अच्छे से सर्वाइव करे कि डायनामिक एनवायरनमेंट में भी अच्छे से वर्क करता रहे। मैनेजमेंट कीप चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच एनवायरनमेंटल चेंजेस। जो भी मैनेजमेंट मैनेजर के चेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वो एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ कनेक्ट करें। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट में ऐसे वर्क करे कि मैनेजमेंट कीप चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन टू मैच एनवायरनमेंट चेंजेस। अब कोई भी चेंजेस एनवायरनमेंट में आ रहा है तो उसके साथ मैनेजमेंट भी चेंजेस एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन है तो उसमें जो चेंजेस आए उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए मैनेजमेंट ने भी उसके अकॉर्डिंग वर्क किया तो वो चीज़ होती है हमारी मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट जो है वो मोटिवेट करता है लीडरशिप करता है क्योंकि उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसका एक कॉमन गोल है उसे अचीव करने के लिए वो लीडरशिप भी दिखाता है मोटिवेट भी करता है। फिर है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है डेवलपमेंट करने में सोसाइटी को। कैसे प्रोवाइड करके गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन न्यू टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से भी सोसाइटी का क्या होता है डेवलपमेंट होता है। फिर है मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के बाद मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को किसी भी मैनेजमेंट को सेटअप करना क्या है एक अपने आप में एक कला है एक आर्ट है क्योंकि एक आर्ट जो है वो बेस्ड किस पे होती है वो होती है प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पे। ठीक है बहुत सारी थ्योरी का नॉलेज होती है उसके अंदर। लॉट्स ऑफ लिटरेचर इज प्रेजेंट गिव एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरी का नॉलेज। जितने भी थ्योरी का नॉलेज है वो सारी आपकी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती है कि इस तरीके से भी मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। फिर सेकेंड है मैनेजमेंट एज एन साइंस। मैनेजमेंट एज एन साइंस है। अब कैसे है मैनेजमेंट एज एन साइंस। मैनेजमेंट एज एन साइंस ऐसे है कि उसमें इट इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा बिलीव करती है जब मैनेजमेंट और एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा फोकस करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं तब वो मैनेजमेंट एज एन साइंस की तरह वर्क होता है। फिर लास्ट है मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन से मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो एज अ प्रोफेशन भी है क्योंकि उसमें जो वर्क किया जा रहा है कोई भी चीज़ क्रिएट की जा रही है वो एज अ प्रोफेशन की फॉर्म में हम वर्क करते हैं। हमारा एक प्रोफेशन होता है जैसे हम मार्केटिंग के हैं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं या फिर हम सेल्स के हैं तो सेल्स डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं तो वो चीज़ एज अ प्रोफेशन हम किस में अपने आप को मास्टर मानते हैं तो हम वो चीज़ अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। देन है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें हमारे जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेयरमैन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम मिडिल मैनेजमेंट की बात करें तो मिडिल मैनेजमेंट में हमारे जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे टॉप और लोअर लेवल के बीच के होते हैं। ऑपरेशन लेवल की बात करें तो ऑपरेशन लेवल में हमारे फॉरमैन सुपरवाइज़र जो एक्चुअली कैरी आउट करते हैं वर्क परफॉर्म एक्टिविटी को। तो ये वाले पर्सन हमारे इन्वॉल्व होते हैं किसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें आप कॉपी में नोट डाउन करिएगा उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरी होती है वो हम डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हम इसमें नोट्स बनाएंगे, देन उसके बाद मैं 3-4 केस स्टडी भेजूंगी, तो आप नोट्स लर्न करिएगा और फिर वो आप सॉल्व करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा केस स्टडीज। अब है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के वो होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। किसी भी चीज़ को प्लान करना एडवांस में, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय होम टू डू, और गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना। ऑर्गेनाइजिंग में मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजिंग में किसी भी चीज़ को हम ऑर्गेनाइज करें, असाइन करें ड्यूटी, ग्रुप टास्क करें, ग्रुप टास्क दें, एस्टेब्लिश करें अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग करें रिसोर्सेज टू कैरी आउट करने के लिए स्पेशल स्पेसिफिक प्लान, कि एक हमारे पास प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग में आ गया। फिर आता है पार्ट स्टाफिंग का। स्टाफिंग से मतलब है कि स्टाफिंग इम्प्लॉयज राइट पीपल टू द राइट जॉब, राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना। अगर कोई पर्सन आपका उसमें अच्छा है प्रोडक्शन में, तो उसे हम मार्केटिंग में डाल देंगे तो वो अच्छे से उसमें ड्यूटी अपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यही स्टाफिंग का काम है कि राइट पर्सन को राइट जॉब हम प्रोवाइड कर सकें। अब आता है नेक्स्ट स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्टिंग में हम कोई भी चीज़ का डायरेक्शन प्रोवाइड करना, किसी भी चीज़ को हम लीडिंग इंप्लॉयमेंट मोटिवेशन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयमेंट टू परफॉर्म द टास्क एंड असाइन टू डैम, कि हम उन्हें मोटिवेट करें कि ये टास्क तुम लोगों को परफॉर्म करना है, पूरा करना है। डायरेक्शन दिखाएं, गाइडेंस दें कि हाउ टू वर्क, बाई होम टू वर्क एंड फ्रॉम हाउ, मतलब कैसे आपको काम करना है, किस तरीके से करना है, पूरी उन्हें डायरेक्शन दिखाना। फिर लास्ट में आता है हमारा कंट्रोलिंग। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है कंट्रोलिंग, जिसमें हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट करनी है एंड फॉलोअप करने हैं एक्शन दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ प्लान या नॉट। हम कैलकुलेट करेंगे और फॉलोअप करेंगे सारे एक्शन को कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो ऑन द डायरेक्शन पे है या नहीं है, ऑन द सेम पाथ पे है या नहीं है। फिर लास्ट टॉपिक आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट या एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट या एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारा जो टॉपिक आता है, इसमें हम कोऑर्डिनेशन देखते हैं कि सारी एक्टिविटीज़ में जितनी भी हमारी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उसमें बाइंडिंग अप है या नहीं है, उसमें कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, उसमें मतलब जितनी भी हमारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, एक्टिविटी कम काम कर रहे हैं उसमें हम एक तरीके से हारमोनी बिहेवियर कर रहे हैं इन पर एक दूसरे से एक साथ या नहीं, या फिर उसके गोल जो हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें सेल्स की, मार्केटिंग की, फाइनेंस की, परचेज की और जितनी भी प्रोडक्शन है उन सब की हम उसमें कोऑर्डिनेट करते हुए काम करते हैं। फिर आता है फीचर्स या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारा इंट्रीकेट करता है ग्रुप एफर्ट, कि जितने भी हमारे काम हैं वो एक ग्रुप में हो, टीम वर्क हो। टीम वर्क होगा तो हम अच्छे से कोऑर्डिनेशन आउटपुट, टीम वर्क एक तो है टीम वर्क, लेकिन एक ही मेंबर अगर वर्क कर रहा है तो वो टीम वर्क नहीं कहा जाता। तो इसलिए टीम वर्क तब अच्छा होता है जब उसमें ईच एंड एवरी पर्सन इक्वलिटी के साथ अपने स्टेटमेंट रखे, डिसीजन रखे और ग्रुपिंग के साथ काम करे, ये नहीं कि एक ही पर्सन के ऊपर प्रेशर डालता रहे। तो इट्स नॉट अ टीम वर्क। टीम वर्क वो होता है जिसमें हम सबके ऊपर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दें और उन्हें चांस भी दें उन्हें वर्क परफॉर्म करने का। फिर नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन क्या होता है। मैनेजमेंट इन कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि वो कंटिन्यू वर्क करता ही रहता है ईच एंड एवरी लेवल पे। फिर है नेक्स्ट मैनेजमेंट इन ऑल परवेसिव फंक्शन, मतलब कैसा है कि हमारा ये टॉप लेवल पे भी रहेगा कोऑर्डिनेशन, मिडिल लेवल पे भी रहेगा, लोअर लेवल पे भी रहेगा। फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सारे मैनेजर को कि वो अच्छे से
देखते रहें कि उनके स्टाफ के बीच, उनके एम्प्लॉयज़ के बीच या उनके मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, उनके बीच एक बॉन्डिंग है या नहीं है। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करें तो उसमें हमारी चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं या फिर कोऑर्डिनेशन इज़ अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो ये अलग टॉपिक हो गया एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में। लेकिन इसमें अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो इसमें ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएट, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से बुक में से देख सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके मैंने नोट्स दे दिए हैं। अब एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो कोऑर्डिनेशन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसमें एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रहे, यूनिटी ऑफ एक्शन रहे, इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का कि उसमें जितनी भी एक्टिविटी हैं ऑर्गेनाइजेशन की अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव को, तो वो तभी हमारी कॉमन गोल जो भी हमें अचीव करना है वो हमारा तभी फुलफिल हो सकता है जब हमारा टीम वर्क हो, हमारा कोऑर्डिनेशन हो आपस में। टीम वर्क अलग है, कोऑर्डिनेशन अलग है। हमारे पास टीम वर्क में हम काम कर रहे हैं लेकिन उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो टीम वर्क कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी टास्क को करने के लिए हमें एक तो टीम बनानी चाहिए, टीम के बाद उस टीम में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन मतलब बॉन्डिंग, बाइंडिंग, किसी भी टॉप लेवल की, लोअर लेवल से टॉप लेवल के, मिडल लेवल से, या फिर अपने आपस में मैनेजर टू एम्प्लॉय या एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय या फिर मैनेजर टू मैनेजर। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की कब आवश्यकता होती है, जब हम परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन प्लानिंग में, इन ऑर्गेनाइजिंग में, इन स्टाफिंग में, इन डायरेक्टिंग में या इन कंट्रोलिंग में। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन मेन प्लान एंड सपोर्टिव प्लान ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो कोऑर्डिनेशन की जो आवश्यकता है वो दो पर्सन के बीच में है, मेन प्लान और सपोर्टिव प्लान। जैसे एक प्लान ए मेन प्लान है हमारा कि हमें ऐसा करना है, और दूसरा एक प्लान बी जिसे हमने सपोर्टिव प्लान कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये वाला प्लान एक्सेप्ट कर लेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट में। दूसरा है इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन है वो हमारा कोऑर्डिनेट रहे डिफरेंट रिसोर्सेज में ऑर्गेनाइजेशन के, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में। अब स्टाफिंग की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन स्किल ऑफ पर्सन एंड जॉब असाइन हिम, बिटवीन एफिशिएंसी एंड कंपनसेशन। अब डायरेक्टिंग की बात करें तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, बिटवीन ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन एंड सजेशन के। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच ऑर्डर, जो इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन दी जाए या सजेशन दिए जाए, तो उसमें कोऑर्डिनेशन रहे। कंट्रोलिंग में क्या है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक हमारी जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और एक एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी आप इतना नोट डाउन करिए कॉपी में।